नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। कल जो है डिलीवरी दोनों स्कूल से आए, उसके बाद थोड़ा बहुत स्कूल में शायद बोले होंगे कि जन्माष्टमी के लिए थोड़ा डांस वगैरह तैयारी करो, कैसे क्या करना है। तो स्कूल से आने के बाद ही जो है इन दोनों अपना थोड़ा बहुत खाना वाना खाए, फिर उसके बाद ही अपना डांस प्रोग्राम जो होता है वो सब देख रहे थे टीवी में, डांस वगैरह थोड़ा बहुत कर रहे थे। फिर इन दोनों को पसीना पसीना सा लग रहा था, तो इन दोनों सीधा नहा के आ गए हैं अभी। इन दोनों तो जो कपड़े ले गए थे सारा गीला कर दिए थे, फिर इन दोनों ने चेंज कर लिया है, और जो भी गीले कपड़े थे उन वो सबको उन दोनों को मैं बोल रही थी सुखा दो अभी, नहीं तो गीला गीला अच्छा नहीं लगेगा, स्मेल भी करने लगेगा, बोल रही थी दोनों को। तो इन दोनों ने सारा ये जो कपड़े हैं जो गीला हो गया था वो सब लेके गए थे और सुखा दिए हैं। और इधर मैं आप सब लोगों से मिल रही हूँ सीधा शाम को यानी कि 7:30 बजे करीब। यहाँ जो है हस्बैंड जी चिकन लेके आए थे तो उसको मैंने बना दिया है, थोड़ा जल्दी बना दिया था ऐसे। तो यहाँ पर ये मैं रोस्ट वाला बनाई हूँ ऐसे ही सूखा खाने के लिए, थोड़ा सा मैं ग्रेवी वाला भी बनाऊँगी। तो ये तैयार हो गया था तो सबको दे रही हूँ, इन लोग अपना खा लेंगे। गरम गरम ही अच्छा लगता है, ऐसे ठंडा होने के बाद जो है अच्छा नहीं लगता। और इधर मैं ग्रेवी वाला बना रखी हूँ, लगभग ये तैयार हो गया है थोड़ा बहुत रोटी के साथ या चावल के साथ खाने के लिए। और चावल वगैरह मैंने कर दिया है, दाल वगैरह तो था, दाल नहीं किया, बस यही बनाना था आज ऐसे। और थोड़ा समय रोटी कर दूँगी, बाकी सबका ऐसे खाना पीना अभी हो ही रहा है लगभग। और इधर जो है सबका खाना पीना हो गया था, और यहाँ मैं जो कुछ भी किचन थोड़ा सा गंदा गंदा सा हो जाता है, थोड़ा तेल का चीरा सब लग जाता है ऐसे थोड़ा सा पकवान बनाओ तो यहाँ पर मैंने सारा ही साफ कर दिया था, गैस चूल्हा वगैरह। और खाना पीना सब हमारा सबका ही हो गया है, जो भी बर्तन गंदे थे सारा ही साफ कर दिया था। डोली पर ही तो ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो उन दोनों को चिकन रोटी दिया था ग्रेवी के साथ, और हस्बैंड जी ने भी रोटी खाया था, मैंने चावल खा लिया था ऐसे चिकन के साथ। और इधर मैं आप सब लोगों से मिल रही हूँ सुबह। आज जो है हस्बैंड जी थोड़ा लेट जाएंगे बोल रहे हैं, 11 बजे करीब निकल गए हैं, तो थोड़ा सा आराम से कर ले रही थी। और मुझे आज कुछ इतना बनाना नहीं था, कल रात का चिकन वगैरह बचा हुआ था तो उसी से खा के जाएंगे बोल रहे थे। तो यहाँ मैं थोड़ा ये जो है पौधा वगैरह में मैंने राख वगैरह जो है खाद मैंने डाल रखा था, बस गुड़ाई नहीं किया था। तो पहले तो मैंने ऐसे बिना पानी डाले ही गुड़ाई कर रही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था, ज़्यादा टाइट सा भी लग रहा था, सख्त सा हो रखा था। तो फिर दोबारा से जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था, ये तो बहुत टाइम लग रहा है करके, ऐसे हल्का हल्का पानी डाल लेना चाहिए था मुझे, मैं भूल रखी थी। फिर बाद में जो है मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला सब गमले में, फिर जल्दी से हो गया था ऐसे। थोड़ा सा मैं गुड़ाई कर दे रही हूँ, और बहुत सारे जो हैं इसमें और भी छोटे छोटे से फ्लावर्स आ रहे थे ऐसे, बीज वगैरह जो है गिर गया होगा ना इसमें, चटक जाता है जो बीज, बहुत सारे से हो गए थे, वो सब मैंने सारा ही निकाल दिया था, छोटे छोटे से हो रखे थे कुछ, तो मैंने ऐसे ही छोटे छोटे जब थे तभी निकाल दिया था पहले ही। छोटा वाला बाल्टी से इधर मैं पानी लेके आ गए थे, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने चीटा जैसे लगा लिया था, और जिसमें मैंने गुड़ाई कर रखा था उसमें तो मैंने पानी डाल दिया है ऊपर से हल्का हल्का, ताकि मिट्टी बैठ जाए। तो सब में थोड़ा थोड़ा मैं डाल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैंने गुड़ाई कर दिया था सारे गमलों में, और नीचे भी अभी मैंने साफ़ नहीं किया था गुड़ाई करने में, और मिट्टी वगैरह गिर जाएगा करके जड़ों भी नहीं लगाया था। बाद में मैंने फिर पानी वगैरह डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया था। और यहाँ ऐसे पानी रखते हैं, कभी कभार गिलहरी सब आते हैं और पानी पीते हैं, कटोरी में रखते हैं, ऊपर नहीं रखते नीचे ही रखते हैं, ऊपर रखने से कभी कभार गिरा भी देते हैं करके, तो यहीं ज़मीन में रख देते हैं गमलों के पास। ये सब करने के बाद ही मैंने अपना झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, और आज मैंने इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, बार बार मोबाइल पकड़ना ऑन करना नहीं हो रहा था, और थोड़ा ऐसे हाथ गीला हो रहा था। और इधर मैं नहा धो के आ गई हूँ, हस्बैंड जी जब थे तभी मेरा सारा काम सब हो गया था ऐसे, तो इधर हस्बैंड जी भी अपना रेडी हो गए थे, और थोड़ा आज एक्स्ट्रा रोटी वगैरह दिए हैं नाश्ता वगैरह,
वहाँ दोस्तों के साथ खाएंगे बोल रहे थे आज। रोटी सब तो मैंने बना दिया था आज, ऐसे नाश्ता वगैरह करने के लिए भी और ले जाने के लिए भी। और यहाँ पर हस्बैंड जी के लिए निकाल रखी हूँ, नाश्ता लगा दिया है ऐसे। और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा रोटी कर दिया है, बना दिया है, बस पैक करना है। और इसी बीच जो है बस रोड गीला करने के लिए बारिश हो रही थी, पुसपुस वाली बारिश हो रही थी, धूप भी हो रही थी और बारिश भी हो रही थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बारिश रोज़ जो है आजकल ऐसे ही हो रहा है। और एक ही टाइम बारिश हो रहा है, फिर उसके बाद जो है धूप हो रही है, छटक वाली धूप ऐसे। और इधर मैं देख ले रही थी डोली पर ये दोनों का क्या क्या सामान है क्या नहीं है। जन्माष्टमी में जो है उन दोनों डांस करेंगे बोल रहे हैं, तो लगभग सारा सामान तो है, फिर भी पहनने के टाइम पे याद आता है, अरे ये नहीं है वो नहीं है, लगभग सारा सामान तो है ऐसे, चूड़ी वगैरह और गजरा वगैरह भी है, सारा ही मैं देख ले रही थी। और सारा सामान जो है इन दोनों का इसी में रहता है, 15 अगस्त का सामान हो या 26 जनवरी का और ये जन्माष्टमी का, तो सारा कुछ इसी में रखते हैं दोनों, जो कुछ भी रबर बैंड वगैरह है। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें मेरे चैनल पर। अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ, अब तक के लिए बाय।